तो हेलो एंड व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू नॉडी सो गेमिंग। गाइस, फाइनली वी आर बैक अगेन विद वॉइस ओवर, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पैम बॉम्बजी हो रहा था कि सेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो इसके लिए भाई एक्शन लेना पड़ा। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया सेंसी की वीडियो। जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, जो एम की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर सेंसिटिविटी की गाइड वॉइस ओवर वीडियो लेके आऊँगा। सो मैं आ गया हूँ, तो देखो अभी स्किप मत करो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो विदाउट स्किप किए उसे अच्छे से समझना और वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाओ। तो अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोगों को इसके बाद से किसी के पास जाके उसकी सेंसी मांगने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग अपनी खुद की सेंसी इस वीडियो के बाद में बना लोगे, जो कि एकदम प्रॉपर सेंसी होगी। मैं तो आप लोगों को एक प्रॉपर सेंसिटिविटी इस वीडियो में देने भी वाला हूँ, बट आप लोगों को सेंसी एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपनी खुद की सेंसी बना सको, क्योंकि हर एक बंदे का डिवाइस अलग होता है, हर एक बंदे का गेम प्ले स्टाइल भी अलग होता है। सो सब लोगों की सेंसिटिविटी डिवाइस के ऊपर मैटर करती है और उसके गेम प्ले स्टाइल के ऊपर मैटर करती है। तो आप लोग अगर खुद की सेंसी बनाकर खेलोगे तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, ना कि किसी और की कॉपी अभी करोगे। मैं आप लोगों को एकदम एक आइडल सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो इसे एकदम ध्यान से समझना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 6K सब्सक्राइबर्स, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन। और गाइज, अपने चैनल पर डेली कंटेंट आता रहता है और ऐसे कई सारे टॉपिक्स में कवर करते रहता हूँ, सो सब्सक्राइब इज नीडेड। और लाइक एम रखते हैं गाइस वीडियो का, 1K लाइक्स का, तो उतना तो कर ही सकते हो यार आप लोग। सो गाइस, जैसे अपन यहाँ पे सेंसिटिविटी ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद अपने को जो सबसे ऊपर दिखती कैमरा सेंसिटिविटी कैरेक्टर व्हीकल, ये जो होता है ना, ये आई बटन का होता है गाइस, ये आई बटन का सेंसी है। अगर आप इसे कम कर दोगे तो ये जो आई बटन है आप लोगों का, ये देख रहे हो, इसकी सेंसी है ये, तो इसे आप ये कम करोगे तो आई बटन आप लोगों का मूवमेंट जो है कम हो जाएगा। तो आप लोगों को इसे फुल रख देना, मैं तो फुल ही रखता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसे रख सकते हो। और ये जो राइट में कैमरा सेंसिटिविटी पैराशूटिंग, ये जब आप पैराशूट में होते हो तब उसके टाइम, उस टाइम पे जब आप ये आई बटन रोटेट करते हो तो ये उस वाला सेंसिटिविटी, तो इसे भी आप 200 रख सकते हो। अब नीचे आते हैं गाइज, कैमरा नो स्कोप सेंसिटिविटी, ये जो है ये मेरी 160 है, बट आप लोगों को इतनी नहीं रखना है, क्योंकि बिकॉज मैं 160 पे ग्राइंड कर चुका हूँ, आप लोगों को इतनी नहीं रखना है। आप लोग इसे अगर कम करते हो, ये कैमरा सेंसिटिविटी होती है, ये जो मूवमेंट देख रहे हो आप, ये कैमरे की, मतलब आप फायर नहीं कर रहे हो और ये जो मूवमेंट है, ये जो लेफ्ट राइट हो रहा है, ये उसकी सेंसी है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, बट इसकी बेस्ट सेंसिटिविटी है 120। ये 120 में आप लोगों को एकदम प्रॉपर, इससे आप एम भी कर पाओगे और एकदम प्रॉपर है। अब ये जो है रेड डॉट 2x, 3x, 4x, 6x, ये जितने भी, ये सारे स्कोप की कैमरा सेंसी है। लाइक मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे अभी मेरे यूएमपी में लगा है होलो, ठीक है, तो ये जो रेड डॉट और होलोग्राफिक, ये इसकी सेंसिटिविटी, ये कैमरे की, इसे आप अगर ज़्यादा करते हो तो ये जब आप स्कोप ओपन करते हो उसके बाद में ये जो फिंगर आप स्वाइप कर रहे हो, ये उसकी सेंसी है, ठीक है। इसे आप चेक कर लेना, अपने हिसाब से रख लेना, बट इसकी अगर बेस्ट देखा जाए तो मेरी तो 1 है, बिकॉज मैं थोड़ी अलग सेंसी है, बट आप लोग इतना नहीं रखना। आप लोगों को रेड डॉट की कैमरा सेंसी रखनी है 50, एकदम प्रॉपर सेंसी है, 50 पे आप अच्छी तरीके से खेल पाओगे। सो अगर आप इसे 50 रखते हो तो आपका एकदम अच्छे से आप डायरेक्शन व्यू भी ले पाओगे और सही से आप एम भी कर पाओगे। सेम हर एक स्कोप में सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। जैसे अभी मेरे पास में 3x पड़ा है, तो मैं 3x का भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी UMP में 3x लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन चलते हैं सेंसिटिविटी में, और कैमरा सेंसी 3x की आप लोगों को रखनी एकदम, जो आइडल सेंसी वो है 35, ठीक है। ये देखो, ये 3x, ये इतना 35 में आप अच्छे से व्यू ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप इसे कम कर देते हो, 35 से आप इसे कर देते हो 10, ठीक है, 10 कर दिए, तो ये देख रहे हो, ये जो मोमेंट है ये पूरा इतना कम हो गया, ये जो व्यू है ये कैमरा सेंसी का, ये कम हो गया। तो आप इसे आइडल, आप 3x की है 35, 2x की भी आप लोगों को रख देनी है 35, और 4x की भी रख देनी है आप लोगों को। 4x की थोड़ी कम रख सकते हो आप, 30 कर दो इसे 4x की, ठीक है। और 6x की जो है आइडल सेंसी, वो मैं तो 12 रखता हूँ, ये 12 हो गई। और 8x की भी, 8x की आप लोग 10 रख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आगे ADS सेंसी की ओर। ये ADS सेंसी क्या होती है? ADS सेंसी जो होती है ना गाइज, वो होती है जब आप फायर करते हो इस तरीके से, जब आप फायर करते हो तब ADS सेंसी अप्लाई होती है। तो ये सेंसी में चलते हैं। अभी जो ADS सेंसी, ये 80 है, आप लोग को उतनी नहीं रखनी है, आप लोगों को इसे कर देनी है 100। अब ADS नो स्कोप सेंसी, यानी आपके आप नो स्कोप, ये जो फायर कर रहे हो उसमें जो मूवमेंट, जो कैमरा घूम रहा है वाइल्ड फायरिंग के टाइम पे, तो ये आ जाता है ADS सेंसी के अंदर।
ठीक है, और विदाउट फायर ये आता है कैमरा सेंसी के अंदर, तो आप लोगों को इसे 100 रख देनी है, और रेड डॉट की आप लोगों को रखनी है 50। सेम वाइल फायरिंग जब आप रेड डॉट ओपन करते हो, रेड डॉट या होलोग्राफी की सेम होती है, अभी जैसे मेरे एकेएम में होलो लगा है, ये मैंने ओपन किया और ये अभी मैं फायर नहीं कर रहा, तो ये कैमरा सेंसी है, ठीक है, और जब मैं फायर कर रहा हूँ तो ये एडीएस सेंसी, फायर करते ही ये एडीएस सेंसी में चला जाएगा, और विदाउट फायर ये कैमरा सेंसी में चला जाएगा। सो समझ रहे हो आप लोग गाइज, तो आप लोगों को इसे रख देनी है, रेड डॉट की जो सेंसी वो आप लोगों को 50 रखनी है, और बाकी सारे स्कोप्स की आप लोगों को 35 रखनी है। आप ये जो है ये नॉन जायरो में भी अप्लाई होगा सेम टू सेम, और जायरोस्कोप वालों के लिए भी अप्लाई होगा सेम टू सेम, ठीक है। तो 3x की भी आप लोगों को 35 रख देनी है, एडीएस सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट सेंसी है थ्री, आप 35 के अंदर प्रॉपर रिकॉइल भी कर पाओगे, रिकॉइल भी कर पाओगे। और गाइस 4x की कर देनी है आप लोगों को 25, एकदम प्रॉपर, ठीक है। और ये 6x, ये तो एडीएस से कुछ इतना मैटर नहीं करता है, बिकॉज 6x का तो कोई स्प्रे मारता नहीं है, बट फिर भी 35 आप इसे रख दो, और 8x का भी आप 35 रख दो एडीएस, या फिर 20 रख दो, ये इनसे फ़र्क नहीं पड़ता 6x और 8x से। अब बाकी आते हैं जायरोस्कोप के ऊपर, तो जायरोस्कोप का नो स्कोप जो 200 है वो ये है, ठीक है, ये जो मोमेंट है, ये मैं अभी फिंगर नहीं टच कर रहा हूँ इसके ऊपर, फ़ोन रोटेट कर रहा हूँ अपना, तो ये नो स्कोप है, और इसमें एडीएस और कैमरा दोनों साथ में ही होता है, तो आप वाइल फायर भी करते हो तब ये नो स्कोप, मैं फिंगर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जायरो से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे तो आप लोगों को 200 रख देनी है, रेड डॉट की भी मैं 200 रखता हूँ, आप लोगों को 200 रखनी है, 2x की भी 200, मैं तो सब 200 ही रखता हूँ एकदम, जो मैं क्योंकि मैं फुल जायरो प्लेयर हूँ। आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे खड़े होकर चेक कर लेना, और जायरो सेंसी आप लोग अपने हिसाब से सेट कर देना, बट मैं 200 ही रखता हूँ। और मैं वाइल्ड स्नाइपिंग 4x को कर लेता हूँ 85 जब मैं स्नाइप करता हूँ, और मैं जब मैं स्प्रे देता हूँ तो मैं 4x को कर लेता हूँ 185 या फिर 190, 185 बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, 190 में थोड़ा सा चोक होएगा। और जो 6x की जो मेरी सेंसिटिविटी है स्नाइपिंग के लिए वो है 45, और 8x की है 40, ठीक है। तो ये तो हो गई एकदम प्रॉपर सेंसी, मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन आप लोग जाओ गेम में, और अभी आप लोगों को सब कुछ मेथड तो मैंने समझा दिया है कि मतलब चीज़ें होती कैसी है, सेंसी आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन तो कर दिए मैंने, अगर नहीं आप लोगों को समझी तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करके फिर से आप लोग देख लो, और अपने हिसाब से जाके अपनी सेंसिटिविटी खुद सेट करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वॉइस ओवर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए गाइज अपना टॉपिक नीचे कमेंट करो, जो ज़्यादा स्पैम होगा मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक प्रॉपर वॉइस ओवर वीडियो बना के लेके आऊंगा। और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और 6K सब्सक्राइबर करा दो भाई, थोड़े ही सब्सक्राइबर चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।